इंडिया वर्सेस बांग्लादेश सीरीज जो स्टार्ट होनी है 19 सितंबर से, आज 17 सितंबर है और आज रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, कल 18 सितंबर है, कल गौतम गंभीर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन आज जो रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वहां पर बहुत बड़ी बड़ी बातें निकल कर आई हैं और उसमें जो सबसे बड़ा सवाल था वो केएल राहुल को लेकर था कि केएल राहुल या सरफराज खान। हालांकि जो रिपोर्टर्स थे उन्होंने ये क्वेश्चन नहीं पूछा कि केएल राहुल खेलेंगे या सरफराज खान, लेकिन उन्होंने केएल राहुल के बारे में क्वेश्चन पूछा कि वो लगातार ड्रॉप होते रहते हैं फिर अंदर आते हैं, ये सारी की सारी चीजें होती हैं। तो रोहित शर्मा ने साफ तौर पर बताया कि आप किसी भी प्लेयर का करियर उठाकर देख लीजिए, पूरी हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, क्रिकेट में आपको कोई जैसा प्लेयर नजर नहीं आएगा जिसका करियर ऐसे 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 ना चला हो, आप कोई प्लेयर नहीं पाएंगे जिसका करियर ऐसा चल रहा हो सीधे। तो वो साफ तौर पर उन्होंने बताया और उन्होंने बताया केएल राहुल हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। उन्होंने कहा हम केएल राहुल को हर मैच खिलाना चाहते थे, हर मैच खिलाना चाहते हैं, और हम जब प्लेयर को देखते हैं ना कि प्लेयर परफॉर्म कैसे कर रहा है तो उसके पीछे बहुत सारी जिम्मेदारी हमारी भी होती है कि हम उसको किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं कि आप कितने मैचेस खेल रहे हो, कितने मैचेस नहीं खेलोगे, इन सारी चीज़ों के पीछे भी ये कि आप वो प्लेयर परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा, ये सारी चीज़ें उसके पीछे होती हैं कि किस तरह से वो प्लेयर परफॉर्म कर रहा है। यानी कुल मिलाकर केएल राहुल की तरफ ये फैसला जाता हुआ नज़र आ रहा है कि वो आपको प्लेइंग 11 में नज़र आ सकते हैं पहले टेस्ट मैच की।